कुछ रह तो नहीं गया। बाबर अब तेरी पैंट उतरना रह गई है, पाकिस्तान की तो आपने पैंट उतरवा दी है। अब कैसे T20 क्रिकेट रह गई है ना पाकिस्तान के लिए, मतलब पाकिस्तान के टेस्ट नीचे से नीचे मारते जा रहे हैं अभी आप। और फिर लोग कहते हैं जी उसने 450 किया, तो चाटे उन 450 को, आप उसको पिछवाड़े में ले ले 450 को। मैं वो कोचिंग स्टाफ जिनको कोई दुनिया कभी पूछे भी ना मोहम्मद यूसुफ को कभी कोई बैटिंग कोच लगाएगा ना सकलैन मुश्ताक को। क्रिकेट है ये, क्रिकेट आप खेल रहे हैं, ये सीरीज 3-0 से हार रहे हो आप, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोग मुल्क का ये हाल करते हो, क्रिकेट का ये हाल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कुछ रह तो नहीं गया बाबर, अब तेरी पैंट उतरना रह गई है, पाकिस्तान की तो आपने पैंट उतरवा दी है, पाकिस्तान का तो आपने बेड़ा गर्क करवा दिया। पाकिस्तान के तबूत में आज आखिरी कील फूंक दिया है इंग्लैंड की अग्रेसिव क्रिकेट ने, पाकिस्तान की बुजदिलाना क्रिकेट को नंगा करके रख दिया है आज। कप्तानी से लेकर, सिलेक्शन से लेकर, मैनेजमेंट से लेकर, कोचिंग से लेकर, चेयरमैनशिप तक। अबे करते कुछ नहीं है, है? वो एक T20 में बस करके खुश हो जाते हैं कि हमने कर लिया T20 में। अबे कैसे T20 क्रिकेट रह गई है ना पाकिस्तान के लिए, मतलब पाकिस्तान के टेस्ट नीचे से नीचे मारते जा रहे हैं अभी आप देख लीजिएगा। न्यूजीलैंड आएगी, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ये फंसेंगे, मतलब स्पिन विकेट बना के, मतलब 16-17 विकेटें दे दी इंग्लिश स्पिनर्स को यार, खुदा खौफ करो जो रूट को 2 विकेटें दे दी, मतलब ऐसी क्या बैटिंग मतलब मुश्किल थी इस पिच पे यार, जो 216 रन सेकंड में बाहर हो गए, वो बच्चा 5 विकेटें ले गया रेहान अहमद यार, यंगेस्ट प्लेयर टू टेक 5 विकेट्स ऑन हिज टेस्ट डेब्यू, मतलब क्या बैटिंग क्वालिटी है हमारी यार, मुझे बता दें आप। वो देखे दोनों तरफ शकीबुल हसन खेलता रहा, वो अपनी टेल नहीं एक्सपोज कर रहा था, एक ये हमारे रेलू कट्टे हैं। और फिर लोग कहते हैं जी उसने 450 किया, तो चाटे उन 450 को, आप उसको पिछवाड़े में ले ले 450 को, मैं क्या करूं? He's not a batsman, he's not a bowler, he's nothing, क्या करें? आपको कोचिंग स्टाफ थर्ड क्लास की सब थका हुआ कोचिंग स्टाफ, वो कोचिंग स्टाफ जिनको कोई दुनिया कभी पूछे भी ना मोहम्मद यूसुफ को कभी कोई बैटिंग कोच लगाएगा ना सकलैन मुश्ताक को। सकलैन मुश्ताक जैसा बंदा, ठीक है, थका हुआ कोच, वो पाकिस्तान टीम का हेड कोच लगा हुआ है, इससे हालत लगा देख लो, ये लोग खुद सरवाइव कर रहे हैं, ये लोग कोचिंग स्टाफ जितना भी आपका थका हुआ है सारा नेशनल क्रिकेट अकेडमी का कोचिंग स्टाफ, ये सब प्लेयरों के साथ सेटिंग कर करके ये वहां भी अपना इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। ये तो आज ही इंग्लैंड जीत जाता, आज ही जीत जाता, ये तो बैड लाइट ने हमारी इज्जत रख ली। 3 दिन में घर में ढेर, काजी शेर, बेहया, बेशरम, लानत है ऐसी क्रिकेट पे, ढेर कर दिया। छोटे बच्चे ने हमें हमारे घर में कपड़े उतार दिए, हमारी औकात दिखा दी। और ये रमेश यूट्यूब पे बैठ के भा भा करता था, नजर आया भा भा करने में? मैं तो बार बार आपको, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। सबको नंगा करके रख दिया और बता दिया है कि ये बोसीदा और घटिया निजाम है जिसमें टैलेंटेड लोगों की कोई कदर नहीं है, सफाशियां चलती हैं, अपने दोस्तों को ब्लाइज किया जाता है, जिसमें पैसे की वैल्यू है, जिसमें मुल्क के लिए, मुल्क की जीत के लिए लड़ने का किसी में जज्बा नहीं है। वो बदतरीन निजाम क्रिकेट का आज एक्सपोज हुआ है। और अब बस सिर्फ देखिए कि ये वो कहते ना कफन दफन के मामले में, वो कहते हैं ना कि जनाजा वो तैयार है, अब उठने की देर है, यानी पीछे 55 रन रह गए हैं और आपकी क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया है इंग्लैंड ने नंगा करके। एक्सपोज, एक्सपोज का जो सही मानो में उर्दू में लफ्ज है ना, वो नंगा ही है, नंगा करके रख दिया है, बेलिबास करके रख दिया आपकी क्रिकेट को। ये क्रिकेट है, ये क्रिकेट आप खेल रहे हैं, ये सीरीज 3-0 से हार रहे हो आप, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोग मुल्क का ये हाल करते हो, क्रिकेट का ये हाल करते हो। अबे सर में कैसा दर्द था कि 1 घंटे बाद मतलब सही हो गया, अरे 1 घंटे बाद वो आ गया, ये कैसा कप्तान है भाई, जो अपना मतलब एक दूसरा मामला है जो जिसका कोई लेना देना नहीं है मैच से, उस मामले पे प्रोटेस्ट करने के लिए वो मतलब वो मैच में नहीं आ रहा और पीसीबी खामोश बैठा हुआ है। अबे भाई क्या हो रहा है इधर यार, ये क्या इन्होंने मजाक बनाया है रमेश राजन कंपनी ने पाकिस्तान क्रिकेट को भाई, ये किस तरह? ये भी कुछ मैंने पहले भी ये हुआ था कि वो कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर जो अलाउंसेस बढ़ाने का, पैसे बढ़ाने का था, तो उसमें भी सुना तड़ियां लगाई गई थी प्लेयर्स की तरफ से। इतने अरसे बाद एक टीम आई, उसने आके खुली बैंड बजाई हमारी, पहले टेस्ट मैच में थकी भी पिच थी, सीधी सीधी पिच थी, उसमें हमारे बैट्समैनों ने रन किए, इसमें कोई शक नहीं, उनके बैट्समैनों ने भी 400 किए, ठीक है, लेकिन वो कहाँ से जीते? वो जीते अपनी बॉलिंग की वजह से, वो जीते अपनी अप्रोच और कप्तानी की वजह से। वहाँ पे तो किसी स्पिनर का काम नहीं चल रहा था, वहाँ पे तो 40 साल के जेम्स एंडरसन ने परफॉर्मेंस दी, वहाँ तो ओली रॉबिन्सन ने परफॉर्मेंस दी, वहाँ पे बाउंसर्स पे आपको आउट किया गया, और जिस तरीके से वहाँ फास्ट बॉलिंग हो रही थी, हमारी जो फास्ट बॉलिंग थी, ठीक है, हारिस अरूप साहब
मतलब T20 के फास्ट बॉलर आपके पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट हुए हैं, नसीम शाह T20 का फास्ट बॉलर, मोहम्मद वसीम जूनियर ये जो टेस्ट मैच खेल रहा है ये T20 का फास्ट बॉलर, नवाज साहब, रेलू कट्टे सारे ये T20 के जो बॉलर्स हैं। उसके बाद आप ये देखें कि हमारी हमारी जो टीम है, हमारी टीम में आधे से ज़्यादा आपके T20 स्पेशलिस्ट खेलते हैं, तो कैसे आपकी टीम परफॉर्म करेगी? दूसरे टेस्ट मैच के अंदर आपकी बैटिंग लाइनअप बिल्कुल फारिग हो गई, उनसे रन ही नहीं हो रहे, ठीक है, और जो अब्दुल्ला शफीक भी रन्स करते हैं जब से आए वो इंटरनेशनल टीम में रन्स कर रहे, लेकिन अब्दुल्ला शफीक हो गया, इमामुल हक हो गया, ठीक है, इवन मैं बाबर आजम को भी बोलूंगा, बाबर आजम हो गया, ये सब अपने लिए बैटिंग कर रहे होते हैं, ये बिल्कुल ये नहीं देखते कि टीम का स्ट्राइक रेट क्या है क्या नहीं है, अपने 100 करते हैं अपने 50 करते हैं, ये लोग सारे 50 पे भी खुश है। मैं बाबर की बात ये इस वजह से नहीं कर रहा हूँ कि प्लेयर छोटा है या रन जरूर करता है, इस टेस्ट मैच में भी वो पहली इनिंग में 100 कर सकता था लेकिन वो आउट हुआ, लेकिन मैं स्ट्राइक रेट की बात करूँ, आपके ओपनर्स दोनों अपने लिए खेलते हैं, उनको टीम की फिक्र ही नहीं होती है, जाहिर सी बात है कोई पूछने वाला नहीं है ना। अब भाई मैं कह रहा हूँ कि खुदा के लिए यार अभी चेंज करो इन सबको, भगवान सबको, ये नहीं है इनके बस की बात, वो बेचारा सरफराज अहमद हम उतना बुरा बोलते थे, वो कहीं बेहतर इनसे कप्तान था यार हर सूरत में, ये कोई परफॉर्मेंस है यार, ये कोई तरीका है मैच हारने का, मतलब फर्स्ट टाइम इफ वी लूज टुमारो कोई मिरेकल हो जाए तो हम शायद जीत जाए, 55 रन तो रह गए इंग्लैंड के लिए 8 विकेटों की, कोई मिरेकल हो जाए तो वो हम जीत जाएंगे, लेकिन भाई मतलब व्हाइट वॉश यार, इससे पहले कभी व्हाइट वॉश नहीं फेस किया पाकिस्तान एट होम, वेस्ट इंडीज जैसी खूनखार टीम है जो आती थी 80s में मतलब क्लाइव लॉयड की, वो नहीं 3-0 जीत पाती थी पाकिस्तान में यार, वो नहीं जीत पाती थी 3-0, बड़ी बड़ी टीम आके यहाँ चलेगी कोई 3-0 नहीं जीत पाई, ये देखो जी 3-0 होने जा रहा है, और वो कप्तान का जरा चेहरा देखें आप यार फील्ड पे आज, मतलब वो हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं, मतलब कोई मसला ही नहीं है कि एक ह्यूमिलेशन हमारी होने जा रही है 3-0 वी आर गोइंग टू लूज दिस सीरीज, और कोई मसला ही नहीं है, और वो चेयरमैन साहब भी उनकी नजर में मतलब T20। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।